sir. Yes, beta. Am I audible? Yes, sir. Sir, एक डाउट था. बोलो ना. सर, जब हमने कल हाइट वर्सेस इक्विलिब्रियम से पहले एक क्वेश्चन करा था, व्हाट इज पीके ऑफ 7×10⁻¹⁸ मोलर CH3COOH? ओके. के गिवन है 1.8×10⁻¹⁵. तो सर, उसमें हमने ये तो देख लिया था कि हम अल्फा निगलेक्ट कर सकते हैं और वाटर निगलेक्ट नहीं कर सकते. फिर ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप पे हमने एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन C+10⁻¹⁷ क्यों ली थी? सी प्लस है तो जो हमने ये मान लिया ना कि ये अल्फा निगलेक्ट नहीं कर सकते. नहीं, हमने ये प्रूव किया कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. ओके सर. अब तुम जाकर नोट्स को दोबारा देखो, उसमें हमने एक कंडीशन निकाली थी कि एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा. तो जब कोई एसिड स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो डिसोसिएशन कितना मान लेते हैं हम लोग, पूरा है ना. तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एसिड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड C कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो भी वीक एसिड भी C कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया. तो हमने एक बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस की थी बेटा. नहीं तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, वो अल्फा का इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जबकि आंसर अप्रोक्सीमेटली हमारे जैसा ही उनको भी आने वाला है. ठीक है, ओके सर. चलो, व्हाट वाज द लास्ट पार्ट बेटा? सर, आपने बोला था कि सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. हाँ, तो किया आप लोगों ने? हाँ सर, मैंने किया है. मुझे पीएच का पार्ट नहीं आया. चलो कोई नहीं, मैं पूरा करता हूँ. आप लोग देखते जाइए कितना आप लोगों को आया था. ठीक है, ठीक ठीक है. सो लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. नाउ वी विल टॉक अबाउट ये थर्ड केस परहैप्स होगा, राइट? यस सर. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. देखो, चैप्टर बहुत अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और मार्क्स भी आपको एग्जाम में देगा, मजा भी आता है सॉल्व करने में. लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया, कंफ्यूजन्स रहते हैं और फिर और स्पेशली अगर अप्रोक्सीमेशंस करना नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाता है. चलो, तो इसमें हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए कि वाटर में हमने सॉल्यूशन बनाया और एग्जांपल ले लेते हैं NH4Cl का. इसकी मान लेते हैं सी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है. ठीक है, तो सॉल्ट्स आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. तो हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि इसमें कौन कौन से आयन्स है बेटा, NH4+ एंड Cl-. ठीक है, सो अब NH4+ और ये जो Cl- है, इनका हाइड्रोलिसिस दिखाते हैं. तो NH4+ अगर हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनाएगा, NH4OH प्लस H3O+ या H+ लिख सकते हैं हम लोग. अब सबसे बड़ी बात है कि ये कौन सा एसिड है, ये किस टाइप का है बेटा, वीक बेस है ना. वीक बेस का मतलब ये हो गया कि अब इसको हम मान लेंगे ये अनडिसोसिएटेड है, यानी इक्विलिब्रियम हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गई. तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है. ठीक है, हाइड्रोलिसिस अगर पॉसिबल है तो सोल्यूशन में H+ आएगा. सोल्यूशन में H+ आएगा तो सोल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा बड़ा, एसिडिक. अब एक बार लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं Cl- का. वैसे तो अपने को रट गया, अभी क्या बन रहा है इसमें, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड. के लिए हम क्या मानकर चल रहे हैं कि ये वापस चला जाएगा, ये क्यों HClOH- बनाकर रखे. हाँ, तो इसका मतलब इसके लिए लिखेंगे नो हाइड्रोल, यहाँ पर कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ. सो ओनली केटाइन इज अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, दैट इज वाई नेचर ऑफ द सोल्यूशन इज एसिडिक. इतनी चीज पहले तो अपने को पता होनी चाहिए. रटने के लिए हम ऐसे रट सकते हैं कि सॉल्ट क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का. तो इफेक्ट किसका ज्यादा लगेगा, स्ट्रॉन्ग का, इसीलिए एसिडिक हो. लेकिन अगर प्रूफ करने को देगा कि वाई एसिडिक, तो आपको हाइड्रोलिसिस के थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा. इसको फिर भी लिख लो अपने नोट्स में, है ना. सर, मैंने ऐसे ही किया. बहुत अच्छा, तो फिर आगे बढ़ जाए क्या देवांग, आर यू कॉपी? वेरी गुड. तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है अपने को,
कि हमको के एच निकालना है। वैसे तो आप जैसे के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए लिखा था पिछली बार, क्योंकि उसमें वीक एसिड बन रहा था प्रोडक्ट, इसमें वीक बेस बन रहा है, तो गेस कर सकते हैं के एच क्या आना चाहिए, के डब्ल्यू अपॉन के बी। फिर भी एक बार हम पूरा प्रॉपर कर लें सो दैट कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे अपने माइंड में। ये है NH4OH प्लस एच प्लस। किस किस के नीचे एक्वस लिख सकते हैं मैडम? इसीलिए हम इसके लिए जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया उसको केएच लिख देंगे, तो ये हो जाएगा NH4OH एच प्लस अपॉन NH4+। अपने को प्रॉपर डेरिवेशन भी आना चाहिए, फॉर्मूला भी आना चाहिए, कि बाई चांस वहां भूल गए। इसमें क्या करेंगे हम लोग, OH माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो मैथमेटिकली कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जीरो तो है नहीं, तो कोई टेंशन नहीं अपने को। ये क्या लिख देंगे हम लोग, KW है ना, आयनिक प्रोडक्ट फॉर वाटर। और ये क्या हो जाएगा, वन बाई के बी हो जाएगा। जैसे वहां वन बाई के निकला था, ये वन बाई के बी हो जाएगा यहाँ के डब्ल्यू। तो अपना एक फॉर्मूला आ गया, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी। के बी किसका है, पेरेंट जो आपका यहाँ पर बेस मिल रहा है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है इसको हम लोग कई बार के ए ऑफ एन एच फोर प्लस भी बोल देते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एन एच फोर प्लस इज एक्टिंग एज एसिड, तो इसीलिए के ए ऑफ एन एच फोर प्लस करके लिख सकते हैं इसको। देखो अब वापस अपना थर्ड पार्ट क्या होता था, जिसमें हम सी और सी एच के लिए लिखते थे, तो एन एच फोर प्लस वापस से इक्वेशन लिखेंगे एच टू ओ NH4OH plus H plus C 0 at equilibrium C minus CH किया CH किया CH किया, तो अपना KH क्या हो गया, CH square upon 1 minus H, और H को हम निगलेक्ट करते हैं तो हमारे पास H आ जाता है root KH by C, यही आता है। और KH की वैल्यू रख देंगे KW upon KP, ये आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ गया तो अपने को सीधे सीधे H प्लस की वैल्यू पता चल जाएगी, CH है ना, H प्लस पता चल गया, CH CH क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर क्या लिख लें हम लोग, रूट के डब्ल्यू अपॉन के बी, और सी और एच सी अंदर लेकर आ गया, सी स्क्वायर हो गया तो सी हो जाएगा, ये क्लियर है बेटा, एच प्लस हो गया। तो अब अगर पी एच निकालना है तो हम लोग क्या करें, दोनों तरफ लॉग ले लें, दयांग बेटा इसमें मैंने कर लिया था ये, अरे वाह, मुझे लगा तुम उस दिन लॉग वाला पूछ रहे थे ना, इसलिए ये हो गया। अब आप इसको सिंपल कर दो, माइनस लॉग एच प्लस को तो आप पी एच लिख दोगे, हाफ बाहर कर लो, और माइनस लॉग के डब्ल्यू को क्या लिख देंगे बेटा, पी के डब्ल्यू, और फिर इधर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस लॉग के बी, यानी कि माइनस पी के बी, करेक्ट, माइनस लॉग सी, और वो तो सिंपली लॉग सी माइनस में रहेगा ही रहेगा, ये तो ये पीएच हो गया। ओके, ठीक है, yes. ये फाइनल है। याद रखना, क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है बेटा, वो पूछता है, पता चला पीओएच पूछ लिया, हमने पीएच का फॉर्मूला रटा था, हम सीधे सीधे आंसर लिखा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो जो पूछ रहा है उसका ही आंसर अपने को देना है। हो गया सर, एक सेकंड, हटा देना।
चलो ये भी फिनिश हो गया, अब हम लास्ट वाला सॉल्व करके फिर उसके बाद क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो अभी क्या बच रहा है अपने पास? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। देखो एक पहली चीज है नेचर पता करना, फिर दूसरा है पीएच सॉल्विंग। तो हम पहला पार्ट अलग करते हैं, दूसरा पार्ट अलग, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, कंफ्यूजन्स क्रिएट नहीं करेंगे। तो पहले हम लोग कैसे पता करेंगे नेचर क्या है? तो एक ही तरीका होता है, जैसे आप एक लिख लीजिए, मान लीजिए कि आपने लिख लिया यहाँ पर कोई सॉल्ट, हमने ले लिया बी ए, और ये मान लिया कि बी जो है बीओएच से आया है, दैट इज कैटायन, और ए जो है वो एचएस से आया है, और दोनों को हम क्या मान रहे हैं? वीक, वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ये आपने ले लिया, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी इसकी लिख देते हैं सी। ठीक है, अब ऑफ कोर्स कैटायन यहाँ पर बी प्लस है, तो उसका हाइड्रोलिसिस दिखा रहे हैं, तो बी प्लस प्लस एच टू ओ, क्या मिल जाएगा? बी ओ एच, और एच प्लस बी ओ एच क्या है बेटा? वीक बेस। तो दैट मीन्स वी विल से यस और नो फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ बी प्लस। यस यस, ठीक है, हम मानकर चल रहे हैं कि रिएक्शन हो रही है। फिर दूसरा, जब हमने ए माइनस लिया प्लस एच टू ओ, अब आपके तो ये बाएं हाथ का खेल होगा सब फटाफट लिखने का, है ना? ये हो गया, अब इसके नीचे क्या लिख देंगे? वीक एसिड, यानी कि हम इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं बेटा? यस। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब है कौन कितना हो रहा है। अगर कैटायन का हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो जाए एनायन के कंपैरिजन में, तो बताइए नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? एसिड एसिडिक, वेरी गुड। तो सिमिलरली अगर एनायन का हाइड्रोलिसिस हो गया ज्यादा, तो हम लोग उसको बोल देंगे बेसिक बेसिक एल्कलाइन सॉल्यूशन बोल देंगे। अगर इक्वल हो गया तो न्यूट्रल न्यूट्रल बोलेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसका कितना होगा? तो उसके लिए केएच की वैल्यू है ना? अगर मान यस लीजिए केवल कैटायन हाइड्रोलाइज करता, तो केएच क्या होता? के डब्ल्यू अपॉन टीबी, है ना? केएच वन मान लो इसको, और यहां पर केएच टू क्या हो जाता? के डब्ल्यू अपॉन के के। अब कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा? जिसकी केएच की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर, है ना? क्योंकि केएच जो है उसमें न्यूमरेटर जो होगा उसमें ही तो एच प्लस होगा या ओ एच माइनस होगा। तो न्यूमरेटर कब बड़ा होगा? किसका न्यूमरेटर बड़ा होगा? जिसका के बड़ा होगा, केएच बड़ा होगा। ठीक, अब तुम्हें क्या एग्जाम में वो केएच देगा? वो तो के भी देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस तो अगर मेरे को दो दिया है, वीक एसिड और वीक बेस, और न्यूमेरिकली यानी के और केबी का वैल्यू मैंने चेक किया, मान लिया के लेस देन केबी है, तो बताइए के एच वन बड़ा होगा या एच टू बड़ा होगा? H2 बड़ा होगा के एच टू बड़ा होगा, और अगर के एच टू बड़ा होगा तो ओवरऑल सॉल्यूशन नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या कर देंगे डायरेक्टली, अब इसको एनालिसिस तो कर रखी है, अब डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे ऐसी सिचुएशन अगर मिली तो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो बेसिक हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या कर देंगे, अगर मैंने बोला के ग्रेटर देन के बी दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल एसिडिक हो आएगा? जाएगा एसिडिक। अगर मान लो एग्जैक्ट पहली दे दी, के इक्वल टू के बी दे दिया, तो हम लोग क्या मान लेंगे? न्यूट्रल न्यूट्रल। ठीक है, ये तो मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस सिखाई। अब रटने के हिसाब से बड़ा सिंपल है। आपको ये कहता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, अब कौन कम वीक होगा? जिसका के ज्यादा बड़ा होगा। तो सीधे आप यहां से सोचेंगे कि एसिड लिटिल स्ट्रॉन्गर है कि बेस लिटिल स्ट्रॉन्गर है, वो उसके के वैल्यू को देख के पता कर लेंगे। न्यूमेरिकली जिसका भी के बड़ा होगा वही डिसाइड करेगा आंसर। तो वो हम ऑलरेडी इस फॉर्म में भी लिख चुके हैं। क्लियर है? पहले तो इतना लिख दो बेटा, ये नेचर ऑफ द सॉल्यूशन के लिए।
गया सर। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन, अच्छा पीएच कैलकुलेशन से पहले जो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है को भी निकालना अपने को जरूरी है। तो हम लोग एक इक्वेशन इस तरह की लिखेंगे, E प्लस प्लस ए माइनस प्लस एच टू गिविंग एच ए प्लस बी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी बिकॉज सॉल्ट है तो दोनों कैटायन एंड आयन तो सेम अमाउंट में आएंगे, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन सी माइनस सी एच सी माइनस सी एच सी एच सी एच। तो यहां से इसका पीएच हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन सी सी स्क्वायर वन माइनस एच स्क्वायर, यही हो गया, ये हो जाएगा एच अपॉन वन माइनस एच। तो यहां से वो तो एच आप निगलेक्ट कर रहे हो तो एच की वैल्यू सीधे सीधे, हमने कुछ गलत किया क्या, नहीं नहीं ये तो हटा दिया, ये वन माइनस ये तो रूट हो जाएगा ना, तो रूट की एच। क्या ये समझ में आया बेटा? ठीक है, और जो वो है आपका ये इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे हम लोग तो हमें क्या ऐड करने का मतलब इक्वेशन ऐड करने का है, और ये जो इक्वेशन ये है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद है ना आपको के वन इंटू के टू करते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा जो पहले तो आप ऐसा लिखिए दोनों के लिए सेपरेटली, अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका डी ओ एच और क्या आ जाएगा बेटा एच प्लस अपॉन बी प्लस, और इधर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एच ए और क्या आ जाएगा ओ एच माइनस, सॉरी हाँ और कुछ गलत लिख दिया गया मैंने, नहीं जाएगा और ए माइनस ये है, और के के भी अपने को मालूम ही है के क्या होता है बेटा, के हो जाएगा एच प्लस ए माइनस अपॉन एच ए है ना, और के भी क्या हो जाएगा ओ एच माइनस और बी प्लस अपॉन बी ओ एच। तो बताइए बेटा के एच की वैल्यू कितनी आएगी, बोलिए निकाल पाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा के डब्ल्यू अपॉन के ए के बी और ऊपर दो के डब्ल्यू आएंगे राइट, प्रोडक्ट साइड में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ओ एच एच ए, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एच प्लस और अपना ओ एच माइनस ये के डब्ल्यू हो जाएगा, नहीं लग रहा है एच प्लस इंटू ओ एच माइनस क्या हो जाएगा के डब्ल्यू, एक के डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा ठीक है, और फिर उसको देखोगे और यहां पर जाओगे तो वो मेरे ख्याल से सेम चीज मैच, तो अपना के एच जो यहां निकल कर आएगा दैट विल बी के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी, समझ में आया कुछ बेटा, एक बार देख लो एनालाइज कर लो। अगर आप देखोगे तो यहां पर ये चीज और ये चीज है ठीक है, जब इन दोनों को आपने लिखा होगा तो बी ओ एच मल्टीप्लीकेशन में फिर इधर से एच ए मल्टीप्लीकेशन में अपॉन ए माइनस और बी माइनस, और एक जो है एच प्लस इंटू ओ एच माइनस को हम क्या लिख देंगे के डब्ल्यू, क्लियर है, और यही तो वहां पर दूसरे पेज में है दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस के एच, क्लियर है, वो क्या निकला के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी, इज इट क्लियर, यस सर ठीक है।
तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा रूट के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। कितना कॉपी कर लो बेटा, इधर वाला कॉपी नहीं किया होगा राइट, जो अभी किया हमने कैलकुलेशन, केवल इस वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, लेकिन डेरिवेशन होने के बाद उसको सीधे फॉर्मूला को यूज करते हैं क्वेश्चंस में, तो उसमें कोई इशू नहीं आता। लास्ट में k इनटू k भी करा है, ये जो है ना ये इसको और इसको मल्टीप्लाई किया था, तो फिर इधर वाले में ये और ये मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। इसको हटा दे बेटा पेज, यस सर, केएच कैसा है ये बता दो एक बार। केएच, केएच यहां से लिखा ना मैंने के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी, ये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो इसी इक्वेशन का तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है जो सामने लिखा है, समझे बेटा। कॉपी कर लिया, हटा दें इसको। यस सर, एक मिनट सर। ओके ओके, हाँ सर। So, ये यहाँ पर एच का वैल्यू आ गया रूट के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या करना होता है बेटा, हमें निकालना है पी एच, उसके लिए क्या चाहिए बोलो। आर यू सेइंग समथिंग एच प्लस H प्लस OH माइनस, इनमें से कुछ चाहिए ना, क्या आपको इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, यस और नो? आप लोग बोल नहीं रहे या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? देखो इस इक्वेशन में आपको नहीं दिख रहा है, देखो मैं आपको प्रॉपर पूरा क्यों ये सब एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, तो सीधे फॉर्मूला भी बता सकता था हल्का सा इंट्रोडक्शन के साथ, सो दैट आपको क्लैरिटी हो कि कहां से क्या निकालना है। जब इस इक्वेशन में H प्लस दिख ही नहीं रहा है तो हाउ विल यू फाइंड दैट H प्लस? उसके लिए ये याद रखना कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कोई वीक एसिड, वीक बेस कुछ भी बन रहा है तो उसकी इक्विलिब्रियम हमेशा चलती रहती है, यानी कि आप जैसे आपने यहाँ पर ये बी प्लस या ए माइनस से बी ओ एच एच ए बनाया है ना, तो आप उस BOH या HA की इक्वेशन सेपरेटली लिख सकते हो, HA will be A minus plus H plus, इसका KA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा, क्या हो जाएगा A minus H plus upon HA, तो यहां से बताइए बेटा H plus की वैल्यू क्या होगी, KA इंटू एच ए कॉन्सेंट्रेशन, एच ए कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है देख लो, सी एच, सी एच रख देंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखना बेटा, नहीं तो पता चला कि हल्का सा आपने मिस किया, गड़बड़ हो गया। अब नीचे क्या आएगा इसका डिनोमिनेटर, यहाँ क्या दिया है वो सी माइनस सी एच, ठीक है, सी सी कैंसिल हो गया, आपको नहीं लगता है कि हाँ। ये हाँ, तो इसको हम सीधे सीधे के इंटू एच कर सकते हैं राइट, यस, तो यहाँ से एच की वैल्यू, अच्छा एच तो हम पहले से निकाल चुके हैं, तो हम तो एच प्लस एच की वैल्यू ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को रख देंगे ना सीधे सीधे, क्या आया था के डब्ल्यू बाई के इंटू के बी इंटू के बी, देवाक बड़ा समझ में आ रहा है, Are you there? Yes, sir. So, ये के के अंदर ले लिया, के स्क्वायर हो गया, तो के इंटू के बी, सॉरी के डब्ल्यू अपॉन के बी, चेक करो इतना समझ में आया सबको,
ठीक है, आप पीओएच भी निकाल सकते हो। मैंने एच प्लस के लिए एच की इक्वेशन लिखी, अगर मुझे पीओएच सोचना होता तो मैं किसकी इक्वेशन लिख लेता, पीओएच के डिसोसिएशन, राइट ना। तो यहां से मेरे को एच प्लस आ गया, अब मैं सीधे क्या कर दूंगा दोनों तरफ, माइनस लॉग, माइनस लॉग, ये हो जाएगा माइनस लॉग और ये के के डब्ल्यू के बी टू द पावर हाफ। तो बताइए क्या बन जाएगा, ये हाफ बाहर कर दें, अंदर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के और माइनस माइनस लॉग के बी। बताओ मैंने माइनस माइनस लॉग क्यों लिखा, क्योंकि माइनस लॉग के बी को हम पी के भी लिख देंगे। तो इसलिए हमारा फिर यहाँ पर क्या आ गया, फाइनली अपने को पी एच अपना आया, पी एच इज इक्वल टू हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू, आई कैन राइट एस पी के डब्ल्यू और ये क्या हो जाएगा पी के और माइनस पी के बी। कोई कंफ्यूजन नहीं सर। अगर अब देखो यही से समझ में आता है, आप सोचिए अगर बाय चांस जो कैटायन एनायन की हाइड्रोलिसिस सेम हो जाए, तो यानी कि वो सिमिलर काइंड ऑफ एसिड और बेस का सॉल्ट होगा, इसका मतलब पीकेए और पीकेबी अगर इक्वल हो जाए तो बताइए पीएच क्या हो जाएगा, 7 at 25, राइट ना। दैट मीन सॉल्यूशन क्या निकल आया, न्यूट्रल। थोड़ी देर पहले हमने यही सब तो लिखा था कि अगर के और केबी हो जाए तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्लियर है ये चीज, यस सर। तो आप नोट कर लो बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो बेटा। हो गया देवान, यस सर। चल अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग आंसर जो है चैट बॉक्स में डाल दो। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, ये आईआईटी का क्वेश्चन है 1996 का, सिंपल सा, कोई वो नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो मैं उसी स्टाइल में आपको दे रहा हूँ। फॉर 0.50 mL एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड, फॉर्मूला डेफिनेटली आपको आता होगा, NaCN, कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर वन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, एकदम बेसिक चीज आपसे पूछ रहे हैं, नंबर टू डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, नंबर थ्री पीएच। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, हमें कैसे पता चलेगा बेटा कि कोई एसिड स्ट्रांग है कि वीक है, एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड स्ट्रांग है कि वीक है, नहीं मान लीजिए हमको पहले से आता है तो एग्जाम में कैसे पता चलेगा, कोई डेटा दिया होगा क्या, क्या आइडिया होता है, गेस करो। मनस्वी आर यू सेइंग समथिंग, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन देख करके नहीं। याद रखना जिसके लिए के या के भी दिया होगा हम उसको ही वीक मानेंगे, हमें जिंदगी में टेंशन नहीं लेना है कि कौन एसिड स्ट्रांग है कौन वीक है, हमें क्या लेना देना है, आप हमको के दोगे तो हम वीक मान लेंगे, आप हमें के भी दोगे तो हम मान लेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे, जितना हमें आता हम उतना काम करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जैसे इस केस में उसने आपको पी के बी का वैल्यू दिया हुआ है, किसका, HCN का, हाइड्रोजन साइनाइड का, या नहीं HCN का नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है PKB दिया CN माइनस का दिया, अरे चालाकी की उसने तुम्हारे साथ, PKB CN माइनस का दिया हुआ है 4.7, बी केयरफुल। हाँ मैंने एक चीज आपको बोली थी कि कुछ किसी को कहते हैं तो बी केयरफुल बाई यूजिंग फॉर्मूलाज, तो PKB CN माइनस का दिया है, इसका मतलब है कि जो HCN रहा होगा वो एक्चुअली में क्या रहा होगा वीक, क्योंकि एनए का कुछ भी एनए ओएच उसकी कोई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं, तो हमारे लिए एनए का जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग रहा और सीएन का जो एसिड रहा होगा वो वीक रहा होगा,
तो जिसकी के के बी पीके पीके बी वैल्यूज देगा उसको हम वीक के में कंसिडर करेंगे, बाकी को कंसिडर नहीं करेंगे। अब फटाफट मेरे को आंसर आप चैट बॉक्स में डाल कर दो। कुछ ना कुछ सोचिए बेटा, कुछ भी करके आंसर जरूर आप चैट बॉक्स में डालिए। इट्स नॉट अबाउट कि आपको सही आया, जो भी आता है जरूर डालिए। वेरी गुड रुद्राक्ष, वेरी गुड। सारी वैल्यूज, वैसे आप तीन वैल्यूज पूछी आपने, एक ही डाली है। कुछ ना कुछ आंसर सब लोग सोच कर डालिए बेटा, पैशन से करिए। कुछ ना कुछ तो करना ही है, ये नहीं सोचना है कि अपने को नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे आना तो चाहिए, फॉर्मुलाइज ही तो है, घुमा फिरा कर करना है। एक चीज जो ट्रिक है उसमें आप फंसना नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि के एच को हम किसी का पी के या के एच को के या के बी भी बोल सकते हैं जिसके लिए वो लिखा जा रहा है। याद करिए मैंने बोला था ना एनएच फोर प्लस का जो के एच है वो उसका के ए भी कहला सकता है। तो उसी तरह से जब एनायन होता है तो जो हम के एच लिखते हैं वो उसका के बी हो सकता है एनायन का। नमस्ते बेटा, कुछ कैलकुलेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? राशि पे तब आप दूसरे वैल्यूज भी डालिए यहाँ। चलो डिस्कस कर लें सर, एक सेकंड। ओके देवांग बेटा, वेरी गुड। चलो सबने कुछ ना कुछ वैल्यूज डाली, अभी और आप लोग डालने वाले हो कह रहे हो। देवांग ने तो तीनों वैल्यूज डाल दिए, वेरी गुड मनस्वी, वेरी गुड। और 30 सेकेंड्स ले लो आप लोग, फिर हम डिस्कशन शुरू कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चल तो डिस्कशन शुरू करते हैं अभी। देखो सबसे पहली कुछ चीजें क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं केवल आंसर हमको नहीं निकालना, हमको समझना है कि क्या क्या इसमें दिया हो सकता है क्या नहीं दिया हो सकता। सबसे पहली चीज है ये है एनएसीएम, तो एग्जाम हॉल में पहली चीज जो अपने माइंड में आनी चाहिए कि क्वेश्चन किसको बिलोंग करता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को, राइट बेटा? रैंडमली नहीं सोचना है अपने को, क्योंकि नहीं तो फिर क्या एक क्वेश्चन आ जाएगा, अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने से पता चल रहा है, कल को हम कुछ और पढ़ेंगे तो फिर इसको भूल जाएंगे। तो जब क्वेश्चन आया तो हमने सबसे पहले पहचाना कि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में किस सॉल्ट का है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, ठीक, ये हमने पहचाना। अब वीक एसिड का जो सॉल्ट है उसमें हाइड्रोलिसिस किसका होता है, CN- माइनस का, राइट? अब एक खास बात आपको जो मैं पहले इतनी देर से बता रहा था बार बार कि ये जो KH होगा जो CN माइनस के लिए हम KH लिखते हैं वो एक्चुअली में इसी CN माइनस का KB भी है, राइट ना? KB फॉर CN माइनस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही KH ये KB है, भटकना नहीं है अपने को। तो हम लोग चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं KB फॉर सी एन माइनस इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए ऑफ वॉट एच सी एन। तो हम लोग इसको रट्टा मार सकते हैं क्या कि के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, या फिर पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। लेकिन ये पीके पीके बी या के बी रैंडमली किसी के लिए नहीं है,
ये कॉन्जुगेट्स के लिए है आपस में। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यानी कि अगर सी एन माइनस का पी के भी दिया है तो आपके लिए एक सेकंड लगना चाहिए पी के ए निकालने का। किसका? एच सी एन का। कितना हो जाएगा? 14 - 4.7। इज माई पॉइंट क्लियर? तो इसको एक तो हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने एक नया चीज थियरी पढ़ लिया कि कॉन्जुगेट्स के आपस में जो के ए के बी का रिलेशन होता है वो ये है, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। ठीक है, अगर बेस जो है कॉन्जुगेट है तो पेरेंट के उसका जो है वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर कॉन्जुगेट एसिड है तो पेरेंट का बेस होगा जिसका आप यहां से केबी निकाल सकते हैं। एक तो ये चीज मैंने आपको बता दी। दूसरा, उसने पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा? उसने कहा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। उसने आपसे पी के बी नहीं पूछा है, उसने आपसे केबी पूछा है, यानी के एच पूछा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो आपका जो के एच होगा वो कहां से आएगा? यहीं से तो आएगा भाई। इसको आप क्या लिख दोगे? इसको आप लिख दोगे माइनस लॉग के बी इज इक्वल टू 4.7। एम आई करेक्ट? अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको? लॉग के बी इज इक्वल टू, इसमें हम डाल देंगे माइनस 4.7। अब ये माइनस 4.7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, बताइए? इसको हम लिख सकते हैं -4 और हम लिख सकते हैं इसको -0.7। इसको हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं log 10⁻⁴। और बताओ ये 0.7 किस log की वैल्यू है? उस दिन मैंने आपको याद कराई थी log 2, log 3, log 7। 0.7 किसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है? बोलो, याद करो। मैंने ये बताया ना log 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? log 10/2। याद है log 10 कितना था? 1। log 2 कितना था? 0.3010। तो लगभग 0.7 आ गया ना। log 5 के लिए लिख सकते हैं, यानी बिना कैलकुलेटर आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा? log 10⁻⁴/5, जिसको आप लिख सकते हो log 2 × 10⁻⁵। तो सीधे केबी का वैल्यू कितना आ गया? 2 × 10⁵। क्या किसी बच्चे को इस सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम है? देख लो बेटा, बिना कैलकुलेटर कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसका एक आइडिया आपने को होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम याद रख के कितना मैक्सिमम हम अपना उसमें से आउटपुट ले सकते हैं वो होना चाहिए। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? नहीं सर। तो हमने एक पहली चीज केएच केबी कर लिया। केबी मतलब वही केएच जो है वो अपने को हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पता चल गया। अब दूसरी चीज क्या निकालनी थी बेटा? एच। एच क्या था? सीधे सीधे आप या तो वो कर लो के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी, ये था ना शायद? Yes, और ये एक्चुअली के एच ही है, सीधे सीधे हम यही नहीं रखते इसमें। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ अपॉन सी। कितना दिया हुआ है बेटा? 0.5। तो सीधे सीधे इसको आप सॉल्व कर लेंगे, है ना? ये आ जाएगा, तो इसका जो आंसर मेरे पास दिया हुआ है वो 6.3 × 10⁻³ है। आप लोग मैच करा लेना। तो ये एच भी आ गया। पी एच निकालना तो आप ओ एच माइनस निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे वो जो आपने अच्छा फॉर्मूला में ध्यान देना बेटा, फॉर्मूले में आपका जो पीएच है, पीएच का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया बेटा इसके लिए बताइए? हाफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीकेए प्लस पीके था तो क्या लिखे? प्लस पीके था ना? यस यस। तो ये हाफ, ये तो 14 हो गया,
और मैंने क्या बोला आपको बेटा, पीके भी दिया है तो पीके हमको चाहिए ना, ये तो इसका तो एसिड बनता है ना HCN, हाँ। तो उसका पीके चाहिए, तो पीके कितना हो जाएगा बेटा? 9.3 राइट। यस। और लॉग सी कितना है? लॉग 5-1 ऐसा सही है, देख लो है ना इसको, ये लॉग 5 का वैल्यू आपको पता ही है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है आप लोगों का, ये मेरे पास 11.5 डेटा दिया होता है, चेक करो देखो, मैच करा लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं, और कॉपी कर लो। आप सब लोगों ने अपने अपने वैल्यूज दी, उसने कुछ वैल्यू कम दी हुई है, आप देख लो, कोई कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। सर इससे पहले वाला पेज शो कर दो, एक मिनट। हो गया सर। ओके देवांग बेटा, हैव यू कॉपीड, शुड आई रिमूव दिस? यस सर, हो गया। ये वाला भी कॉपी कर लिया था? यस सर। एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, कैल्शियम लैक्टेट इज अ सॉल्ट, इज अ सॉल्ट ऑफ अ वीक ऑर्गेनिक एसिड एंड इज रिटन एज CaLaC ट्वाइस, a saturated solution of CaLaC twice contains 0.13 mole of this salt in 0.50 liter solution. The pOH of this solution is 5.60. ठीक है, calculate KE of lactic acid. Assume complete dissociation. वो तो हम पहले से ही करते आए, चलो पोस्ट फॉर योर आंसर। हो पा रहा है बेटा? एनीवन विद एनी आंसर? सर एक मिनट। वेरी गुड रुद्राक्ष, वेरी गुड। यस बेटा, अच्छा देवांग बेटा, हुआ कुछ? सर एच प्लस की वैल्यू, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, फिर क्या करूं समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, सबसे पहले तो मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो सकती है, एज अ स्टूडेंट हम कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। अगर इसको आप ध्यान से देखते हो और जिस चीज को पूछा गया है, इससे क्या पता चलता है, ये क्वेश्चन किसको बिलोंग करता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को, राइट? यस। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में किस टाइप के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का? बोलिए। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, यानी कि मानकर चल रहे हैं हम लोग ये बना होगा COH twice strong base से, और लैक्टिक एसिड जो होगा वो हमको बस ऐसे दिखा देना है ना, हमें थोड़ी ना अभी कोई मतलब है फॉर्मूला लिखने से, हम तो HA मानकर उसको लिखेंगे। ठीक है, होल ट्वाइस से खास बात है, जब हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं ना
और उसमें कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, तो नॉर्मली जो सॉल्ट होते हैं वही कॉन्सेंट्रेशन एनायन या कैटायन की हो जाती है, बट यहां ध्यान से देखोगे तो जो लैक्टिक एसिड का एनायन है दैट इज लैक्टेट आयन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 times हो जाएगी। मानते हैं कि नहीं बेटा? यस सर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये 2 मिस कर दिया आपने तो सब गलत हो जाएगा। तो हम जो फॉर्मूलाज में सी लिखते हैं वो हमारे लिए 2 times गिवन सी हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन दी कितनी है 0.13/0.5। कितना आता है ये वैल्यू, किसने निकाला है? 0.52 मोल्स पर लीटर आया। ये आपके लिए सी हो गई है। गलती से भी वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रख देना है जो सॉल्ट का है, हमें तो एनायन से मतलब था ना। अब आप सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करो, क्या फॉर्मूला था? pH इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए, और क्या लिख दें बेटा? ये फॉर्मूला था, प्लस या माइनस था? प्लस। पक्का? यस। तो अब ये बताइए बेटा पीएच की वैल्यू कितनी रखेंगे, दिया क्या है पीओएच, तो पीएच कितना हो जाएगा? 14-5.6 8.4 सही है। Yes. आप पी के डब्ल्यू कितना रख देंगे? 7 प्लस पी के, और प्लस यहाँ क्या कर देंगे, लॉग 0.52। सर पी के डब्ल्यू 14 होगा ना? हाँ 14 हो गया, सॉरी 14 रख देंगे, ये हो गया। अब आप सीधे सीधे यहाँ पी के निकालेंगे, हम एच प्लस क्यों निकालेंगे देवांग, है ना? क्योंकि पीके आएगा तभी तो आपको के पता चलेगा। तो यहां से पीके कितना आ गया बड़ा, सीधे सीधे 2 × 8.4 − 14, और इसको आप चाहेंगे तो मतलब log 52/100 करके भी लिख सकते हैं, और 52 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको log 2 log 3 बिना कैलकुलेटर के अब जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आप निकालिए, जितनी भी मैं आप क्वेश्चंस दूंगा ना आप उनमें, अगर कोई एब्सर्ड सा कैलकुलेशन हो गया तो अलग बात है, नहीं तो हर बार आपको क्या करना है बेटा, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। ठीक है, फिर यहां से जब पीके आपको निकल आएगा फिर आपके मालूम ही आपको क्या करना है बेटा, है ना, माइनस log वो के करके पीके लिख करके आप के की वैल्यू निकाल लेंगे। मेरे पास जो आंसर दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ 8.26 × 10⁻⁴। ठीक है, ये लिख लो आप। दूसरा तरीका है कि आप OH माइनस इज इक्वल टू सीधे वो रख सकते हैं रूट के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के करके, के वहां से भी सीधे आ सकता है, तो जिस जैसे भी आप कंफर्टेबल हो जाए। कई बार क्या होता है हमें फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं तो हम फटाफट उसको यूज करना शुरू करते हैं। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको शीट में मैं दूंगा, अटेम्प्ट करना। शुड आई रिमूव दिस? यस सर। लॉग 0.52 को लॉग 0.5 लेके कर सकते हैं, कर सकते हैं मतलब log 0.5 वो ज्यादा मतलब वो हो जाएगा, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगी, ऐसा है थोड़ा बढ़ा देना जितना भी वैल्यू उसका हो, है ना, हल्का फुल्का चीज। आप जब कैलकुलेशंस करना शुरू करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हल्का सा इधर बढ़ा तो उसमें कितनी वैल्यू हल्की सी बढ़ा दे, ऑप्शंस तो रहते ही। ठीक है, नहीं तो जो प्राइम नंबर्स हैं उनके अगर लॉग की वैल्यूज आप याद रखोगे, जैसे लॉग 13 भी कहीं पर आ गया, तो उस तरह अपने आप मतलब 2-3 बार आप ये सब याद करना शुरू करोगे तो वो फिर एग्जाम तक तो हो ही जाता है। शुड आई रिमूव दिस नाउ? यस सर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम के, एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ सकते हैं, चांसेस हैं। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन ऑर्गेनिक में भी हमको रिक्वायरमेंट होती है कई बार बेटा,
ऐसे सिस्टम की जहां पर एच प्लस ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना हो, यानी कंडीशन हमारी चेंज ना हो, तो हमें वहां मेंटेन करना पड़ता है पीएच। तो बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो बेटा एवरीवन, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? आर यू रेडी? A solution which resists any change in its pH value, a solution which resists any change in its pH value on addition of small amount of H plus or OH minus. Small amount of H plus or OH minus. Definition सबने लिख ली? Yes, sir. अब आप ध्यान से मेरी बातें सुनो। मैं आपको एकदम इस स्टाइल में करा रहा हूँ, ये बुक की लैंग्वेज नहीं, अपना आप ध्यान से सुनिएगा तो सब अपने आप चीजें आप क्लियर कर पाएंगे एग्जाम में। पहली चीज, हम कैसे पहचानेंगे कि एग्जाम में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो बफर है कि नहीं है? तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई इफ अ गिवन सॉल्यूशन is buffer or not, rectification वाला नहीं, आपको कुछ भी दे दे, कैसा भी मिक्सचर दे दे, कुछ भी सिंगल सॉल्ट दे, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स दे दे, एसिड सॉल्ट दे दे, कुछ भी दे दे, कैसे पहचानेंगे कि वो बफर है? बहुत सिंपल सा तरीका है, सबसे मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं, फिर वो हम लोग अभी यूज भी करेंगे। जो भी सोल्यूशन दिया हो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स प्रेजेंट। अब जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसको क्लासिफाई कर लो, कौन एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और कौन बेस की तरह। तो याद रखना, जनरली जो कैटायंस होते हैं वो हम एसिड की तरह बिहेव कराते हैं और एनायंस को हम कैसा बिहेव कराते हैं? बेस की तरह। फिर हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अभी बस देखते जाइए, पेशेंस रखिए, सब बहुत आसान है। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये जो भी सॉल्यूशन दिया है उसका एग्जांपल लेके उसमें एच प्लस डालेंगे और चेक करेंगे कि एच प्लस किसी कॉम्पोनेंट से कंज्यूम हो जाता है कि नहीं। H प्लस कंज्यूम होता है कि नहीं। अगर H प्लस कंज्यूम हो गया तो वो सोल्यूशन में नहीं रुकेगा, और सोल्यूशन में नहीं रुकेगा तो पीएच चेंज नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, लास्ट पॉइंट इसमें, अब हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस डालेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या अंदर कोई कंपोनेंट है जो इस OH माइनस को कंज्यूम कर सकता है। अगर OH माइनस कंज्यूम हो गया then pH of the solution will not change. That जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी then and only then we will say solution is buffer. एक भी मिस हो गया, मतलब पता चला H plus consume हो रहा है, OH minus consume नहीं हो रहा है, तो solution will not be called buffer. समझ में आई थोड़ी बहुत बातें? Yes, sir. It's like कि समझ लीजिए किसी ने खाने की थाली भेजी और खाना खाने के लिए मैं अवेलेबल हूँ, तो मैंने खाना खा लिया। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो थोड़े दिन बाद खाना खराब हो जाएगा, उससे रूम गंदा हो जाएगा। मतलब वो जो H प्लस डाला है तुमने सिस्टम में, क्या अंदर कोई है जो उस H प्लस को खा जाए, कंज्यूम कर ले, सो दैट सॉल्यूशन में H प्लस ना दिखाई दे। और अगर सॉल्यूशन में H प्लस दिखेगा ही नहीं तो क्या पीएच चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। OH माइनस दिखेगा ही नहीं तो क्या पीओएच चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। क्लियर है? अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी हो जाए। समझ लो कि मैंने लिया है एक्वस सॉल्यूशन
ऑफ अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। बताइए अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH3COONH4। मान लीजिए ये दिया है, तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते थे बेटा, कंपोनेंट्स। तो जब भी कोई सॉल्ट हो तो सॉल्ट को तुरंत डिसोसिएट करके कंपोनेंट्स लिखो। तो बताइए कितने, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे बेटा यहां पर? माइक यूज करिए बेटा, आप लोग बात नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? आप लोग तो साइलेंट मोड पे चले गए। ये पहला हमारा स्टेप हो गया, हमने कंपोनेंट्स बना लिए। अब क्या हम एसिडिक कंपोनेंट्स और बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड कर पाएंगे? Yes. तो NH4 प्लस हमारा एसिडिक कंपोनेंट हो गया, और बेसिक कंपोनेंट क्या हुआ? CH3। अब हमारी तीसरी चीज, हम उसमें क्या डालेंगे बेटा? H+। तो H+ एक ऑब्वियस सी चीज है कि H+ को कौन खा सकता है? क्या एसिड खा सकता है H+ को? कॉमन सेंस है कि भी बेस खाएगा, तो लेट्स सी कि बेस कंज्यूम कर पाता है कि नहीं। तो CH3CO- प्लस H+ हमने लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर CH3COH बन गया, विच इज अ वीक एसिड। तो बताइए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। और जाएगा मतलब कंज्यूम हो गया H+, कंज्यूम हो गया। तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन हो, बट एक और चेक करना बाकी रह गया है, क्या? OH- ऐड करना। तो OH- जब हमने ऐड किया तो देखो इसमें OH- कौन कंज्यूम कर सकता है? NH4+। तो लेट सी क्या बनाएगा, NH4OH विच इज नथिंग बट अ वीक बेस। इसका मतलब फिर से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका मतलब OH- भी कंज्यूम हो गया। तो अगर दोनों कंज्यूम हो गया है तो यस, इट्स अ बफर सॉल्यूशन। हमने कुछ रटा नहीं है, रटाफिकेशन नहीं करना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो बच्चे क्या रट के रहते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ के बैठते हैं वो लिखते हैं वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट, इस तरह करके रटते हैं। आपको कुछ नहीं रटने की जरूरत है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं निकला। ये सिंपल सा CH3COH कुछ भी दे देगा, हम हर बार इस तरह आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या निकालें, अगर मान लो कई सारे कंपोनेंट्स हो और एक भी कंपोनेंट ऐसा मिल जाए जो कि H+ को कंज्यूम कर ले, और एक भी कंपोनेंट ऐसा मिल जाए जो OH- को कंज्यूम कर ले, समझ में आया? H+ को कंज्यूम कर ले और OH में एक भी कंपोनेंट मिल जाए, एक ही कंपोनेंट, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बफर। बाकी कंपोनेंट्स आए वेस्ट हो कोई मतलब नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्यूशन पता कर, मान लीजिए कि आपको दे दिया उसने ऐसा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3CONA, तो बताइए इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? Na+। अब इसमें एसिड कौन कंपोनेंट हो जाएगा और बेस कौन हो जाएगा बेटा? एसिड Na+, बेस एसिटेट आयन। कैन एक्ट करे नहीं करे मतलब नहीं, लेकिन कैन एक्ट के लिए हमने ए लिख दिया और इसको बी लिख दिया। अब हमारा काम क्या था बेटा, हम इसमें क्या डालते हैं? H+। कौन कंज्यूम करने के चांसेस हैं? तो क्या कंज्यूम हुआ? यस। लेकिन जब हमने OH- डाला तो किसने कोशिश की? Na+ ने। क्या नहीं होगा? सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, वापस आ गया। इसका मतलब OH- इज नॉट कंज्यूम, और अगर OH- कंज्यूम नहीं हुआ तो वो तो सॉल्यूशन को गंदा कर देगा। गंदा करने का मतलब है OH- pOH को बढ़ा देगा, सॉरी pOH को क्या कर देगा? कम कर देगा, यानी pH चेंज कर दिया। pH चेंज होने का मतलब है नॉट अ बफर। क्लियर है बेटा? Yes। अब उसमें क्या चालाकी वो करते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते थे, अब इसमें कौन सी कंपोनेंट की कमी आपको फील हुई, क्या कौन सा कंपोनेंट नहीं था जिसकी वजह से बफर नहीं हो पाया? एसिडिक, वो एसिडिक कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं था जो OH- कंज्यूम कर ले। तो हम लोग क्या चालाकी करते हैं, हम लोग लिखते हैं एक्वस CH3CONA और एसिड अलग से डाल देते हैं CH3COH। ये वीक एसिड है,
तो ये डिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा या अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमारे लिए कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हो गए, CH3CO-, Na+ और CH3COH। क्या समझ में आया मैंने CH3COH को क्यों CH3COH के फॉर्म में ही लिखा? Yes. तो ये एसिड हो गया हमारा, ये भी एसिड की तरह हो सकता है और ये हमारा बेस हो गया। अब जब तुम H+ डालोगे तो कौन कंज्यूम करेगा बेटा? CH3CO-, ये तो पहले से कंज्यूम कर रहा था। अब जब तुमने OH- डाला तो उसको कंज्यूम करने के लिए Na+ आया लेकिन फेल हो गया, फिर कौन कंज्यूम कर लेगा उसको फटाफट? CH3COOH। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, जैसे आप लिखते हो ना एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, बट लिख दो उतना ही CH3CO-+H2O। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया, यानी कि ये अवेलेबल हो गया OH- कंज्यूम करने के लिए। इसका मतलब अब ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा? बफर सोल्यूशन, बफर। अब इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं फ्यूचर के लिए कि कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन बफर हो जाएगा, उसका जो भी यहां पर आपको वीक वाला दिख रहा है ना पार्ट कॉन्जुगेट, उसका पेरेंट भी ले लो साथ में। तो इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, इसको बोलते हैं वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, ये हमारे लिए बफर का काम करेगा। इसी तरह से हम बाद में वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड बना लेते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास NH4OH वीक बेस है और उसमें तुमने डाल दिया NH4Cl, तो ये हमारा फिर ये भी क्या हो जाएगा बेटा? बफर। ठीक है, हम लोग कॉमन जो बफर पढ़ते हैं वो यही है, वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस और वीक बेस कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, चलो पहले इतना आप कॉपी सर, बोलो बेटा। वो पेज पर जा सकते हैं किस पेज में? यही तो है पहला पेज। नहीं नहीं मतलब मुझे आपसे कुछ पूछना है। कौन सा पार्ट बेटा? फर्स्ट लाइन ये वाला। हाँ। तो इसमें मैंने ये CH3COH तो प्रीवियस पेज वाला ही था, उसमें हमने एक्स्ट्रा CH3COH डाल दिया, उससे फायदा क्या हुआ? CH3COH का जो CH3CO- है वो तो एडेड H+ को कंज्यूम कर पा रहा था, Na+ नहीं कर पा रहा था, उसके सपोर्ट के लिए हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर एक एसिड डाल दिया, तो वो जो एसिड है वो क्या करना शुरू कर देगा? OH- कंज्यूम करना शुरू कर देगा। तो यानी अब ओवरऑल H+ भी कंज्यूम हो रहा है, OH- भी कंज्यूम हो रहा है, सोल्यूशन बिकम्स अ बफर सोल्यूशन। अब इसको हम रट लेंगे फ्यूचर के लिए कि एनी वीक एसिड विद इट्स कॉन्जुगेट बेस विल बी कंसीडर्ड एज बफर। क्लियर है? यस सर। चलो अब यहाँ से कॉपी कर लो, मैंने आपको काफी डिटेल में चीजें बताई है, ये रटने वाली नहीं है उस तरह। जब हमने फर्स्ट एग्जांपल करा था उसमें तो कॉन्जुगेट एसिड या बेस नहीं था उसका, लेकिन फिर भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, फिर तुम रटने वाले स्टाइल में आ गए। हमने ये थोड़ी ना रटा है कि कॉन्जुगेट एसिड वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस ही बफर होगा। डिड आई से दिस? वो तो हमने बोला है कि इसको हम रट रहे हैं इस तरह से, जनरलाइज कर दिया। हमने कब बोला कि केवल यही एक बफर सोल्यूशन हो सकता है या केवल एक बफर सोल्यूशन? हमने तो तुमको जनरल मेथड बताया कि कुछ भी दिया हो आप उसमें H+ डालो, OH- डालो, दोनों कंज्यूम हो गए बफर सोल्यूशन। नॉट क्लियर? नहीं सर, अब आ गया। क्योंकि तुम अगर रटने पे जाओगे तो फेल हो जाओगे। तुम अगर रट के बैठ गए कि केवल दो ही बफर सोल्यूशन, NCERT ओपन करोगे तो ये दो बफर दिए हुए, अब उसमें फिर तीसरा तुम्हारा फेल हो जाएगा, है ना? तो वो गड़बड़ होने लगेगा। आपको वो भी याद करना है, सनी वो नहीं याद करना है, लेकिन हमको एक जनरल वे पता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी दे दे अपने को मिक्सचर, हम उसमें से पता कर लेंगे कि ये बफर का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो सर ये पेज हो गया, ये हो गया, सबने कर लिया? यस सर। यस, इसको कॉपी कर लो। हो गया। Yes, तो भी कॉपी कर लो। ये सब अलग केसेस करके लिखिएगा, ये नहीं एक साथ लिख दिया और कंफ्यूज हो गए बात।
यस सर। एक जनरल मैनर में अगर आपको लिखना है याद करने के लिए, तो हमने यहां पर एक चीज रियलाइज की कि अगर कोई सॉल्ट है किस चीज का, वीक एसिड वीक बेस का, तो उसका सॉल्यूशन बफर हो जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने रियलाइज किया कि अगर वीक एसिड अब किसके साथ प्रेजेंट हो, अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ, तो वो बफर हो जाता है। और तीसरा हमने रियलाइज किया यहां पर कि वीक बेस प्रेजेंट हो कॉन्जुगेट एसिड के साथ, तो वो भी बफर हो जाता है। तो लगभग क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इन तीन के आते हैं। और खास बात ये कि हमने जो है इसका पीएच कैलकुलेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस का किया है ना हमने, तो एक्चुअली उस बफर का पीएच हमको ऑलरेडी आता है। हमको इन दो बफर का पीएच और पढ़ना है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके सर, चलो इफ यू हैव कॉपीड देन यू कैन लीव। थैंक यू।